दर्पण में अपना चेहरा तो कान के पास के जो बाल थे वो थोड़े सफेद दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर वाले बाल सफेद दिखाई दे रहे थे। मानो इशारा कर रहे महाराज दशरथ, अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ रहा है, तुम ऐसा करो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहिए तुम्हें, ज्येष्ठ पुत्र राम जी को। दशरथ जी ने समझ लिया मन में, मानो बालों ने इशारा किया हो महाराज, कि बालों ने कहा इशारे में, और अब बाल भाओ न धरो राजन। आपको बुढ़ापा आ गया है, राजा बनाना चाहिए राम जी को, दशरथ जी ने मन में ठान लिया। अब संध्या बीत पाई, सुबह जैसे हुआ गुरु जी के पास में गए, जवाब दिया, गुरु जी हाँ अब मैंने सोचा है ऐसा कौन सा मुहूर्त निकाला जाए, जब अपने बड़े पुत्र राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं अयोध्या का। इतने वचन जैसे उसने, दशरथ जी ने जवाब दिया, अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई राम साधारण इंसान है, अरे राम जी को राजा बनाने के लिए मुहूर्त को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, राम जी को जौन से समय तुमने राजा बना दिया वही शुभ मुहूर्त हो जाएगा, चाहे जौन से समय में बना दो चाहे आज ही बना दो। गुरु जी की बात सुनी, दशरथ जी ने जवाब दिया, गुरु जी हाँ आज नहीं बनाऊंगा, कल राजा बनाऊंगा, आप तैयारियां करवाओ, पूरे नगर में ऐलान कर दो कल राम राजा बनाने जाएंगे, और गुरु जी आप जाओ मेरे बेटा राम से जाकर के कह दो कि उसको कल कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कल वो राजा बनेगा कुछ नियम हो वो जाकर के समझा देना। और दशरथ जी ने सोच लिया कि हम राम को राजा कल बनाएंगे, लेकिन महाराज वो कल महाराज दशरथ के जीवन में दोबारा नहीं आया। कोई काम करे ना तुरंत करना चाहिए हमें, महाराज दशरथ ने कल को ठान दिया वो कल नहीं आया। धीरे धीरे शाम हो गई, वशिष्ठ भगवान जी पहुंच गए राम जी के पास में, आवाज लगाई है, राम जी जानकी जी को लेकर के बाहर निकले, जवाब दिया, गुरु जी आप आए, अरे आप कहते राम स्वयं आपकी सेवा में चला आता, गुरु जी बड़े लोग छोटे के घर कष्ट उठा करके नहीं जाते हैं, आप बुलाते मैं चला आता। गुरु जी ने जवाब दिया, राम आपको कल राजा बनना है, और सुनो तुमको कैसे रहना है, कैसे रहना है। गुरु जी ने जवाब दिया, राम तुमको कल बिल्कुल ऐसे ही रहना है, कुछ खाना नहीं है, पेयजल का सेवन करना है, या दूध सिर्फ आप पी सकते हैं, और नीचे जमीन पर विश्राम कर सकते हैं, सेजों पर विहार नहीं करेंगे आज रात, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए राम। राम जी ने जवाब दिया, ठीक है। गुरु जी चले गए। अब रात में ही राम जी सोचने लगे, ये क्या हो रहा है। पहली बात तो ये सोची, कितना बेकार नियम है, छोटे से हम लोग चार चार भाई एक ही साथ में आए, चारों लोग एक ही साथ पढ़े, एक ही साथ बड़े हुए, लेकिन मेरे महाराज का एक कौन सा नियम है, जब राजा बनने का नंबर आया तो बड़ा भाई सिर्फ राजा बनेगा, छोटे वाले नौकर, ये कौन सा नियम है। ये बात सोची भगवान ने, भगवान सोचने लगे अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या किया भगवान राम ने, कल सुबह राजा बनने वाले हैं तो आज ही रात को सारे देवताओं को अपने पास में बुला लिया,
सब देवताओं को बुलाया और देवताओं को बुलाया, देवता पहुंचे, जवाब दिया कहिए महाराज, कहिए भगवान। राम जी ने जवाब दिया तुम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, मतलब राम जी ने जवाब दिया तुम लोग ऐसे बैठे रहोगे और कल ऐलान हो गया, कल सुबह मैं राजा बन जाऊंगा, अगर राजा बन गया तो तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुमने हमको यहाँ भेजा है, अगर मैं राजा बन गया मानो तुम्हारा काम हो गया, अरे कुछ ऐसा करो मैं राजा ना बन पाऊं और मुझे यहां से जल्दी निकालो, नहीं तो वन में राक्षसों को कौन मारेगा, रावण का भार कौन हरण करेगा पृथ्वी का, कुछ करो। जो इतने वचन सुने सारे देवताओं में खलबली मच गई, क्या किया जाए, इधर जाएं उधर जाएं, मैया सरस्वती के पास में पहुंच गए। सरस्वती माँ से जवाब दिया माँ हाँ आप एक काम करिए ना, बताओ। जवाब दिया आप कल कुछ ऐसा करो कि राम जी राजा ना बन करके बन के लिए चले जाए। सरस्वती माता जी नाराज हो गई, जवाब दिया तुम लोग कैसे हो, दूसरे का बना बनाया काम तुम्हें देखा नहीं जा रहा है, पहली पहली बार राम जी के जीवन में इतना सुंदर अवसर आया वो राजा बनने जा रहे हैं और तुम लोग कह रहे हो कि राम जी बन को चले जाए, ये तुम्हें अच्छा लगता है। देवताओं ने जवाब दिया माँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे राम जी की इच्छा है मैया, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि कल मैं बन चला जाऊं। नाना प्रकार से समझाया, सरस्वती मन तैयार हो गई, तैयार हो गई सरस्वती मैया, और उसी संध्या को तैयारियां होने लगी अयोध्या की, तैयारियां होने लगी और उसी संध्या को मैया सरस्वती चली एक नौकरानी का रूप बना करके मानो और अयोध्या में घूमने लगी, इधर उधर घूम रही है, कौन ऐसा मिल जाए जिसकी मति को पलट दे, कौन मिलेगा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई कौन दिया, महारानी केकई की दासी है जिनका नाम है मंथरा, लिखते गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी। मंथरा मंदमती चेरी के कई मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी और अजस पिटारी ताही कर गई गिरामति। दासी है महारानी के कई की मंथरा, मंथरा उधर से आकर आ रही थी इधर से मैया सरस्वती, तो मैया सरस्वती ने जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेर दिया, क्यों, क्योंकि मंथरा मंदमति है, मंदमति ऐसे कहिए कि राम जी को उतना प्यार नहीं करती जितना भरत जी को करती है, क्यों, क्योंकि ये मंथरा अयोध्या की नहीं है, ए महारानी केकई का जब विवाह हुआ केकई देश से आई तो मंथरा केकई जी के साथ में आई थी, और नाराज क्यों रहती है राम पर, क्योंकि जब जन्म हुआ तो मैया कौशल्या ने राम जी को पहले जन्म दे दिया और केकई ने भरत को बाद में दिया, बस इसी बात से नाराज हो गई, इसी बात से नाराज हो गई। वो ये खूब जानती है जब राम बड़ा हो गया तो आगे राजा भी राम ही बनेगा, मेरा नाती भरत थोड़ी बन पाएगा राजा, इसलिए वो नाराज रहती है। मंथरा मंथरा की बुद्धि को फेर दिया मैया सरस्वती ने, मंथरा चली और मंथरा चलने के बाद में अयोध्या वालों से पूछा क्या बात है, ये पूरा नगर बड़ा ही सजा हुआ है। अयोध्या वालों ने जवाब दिया तुम रहती कहाँ, तुम्हें मालूम नहीं है कल मेरे राम जी राजा बनने वाले हैं। जो राजा का नाम सुना मंथरा जली गई, भाग करके केकई जी के पास में पहुंची और केकई के पास में पहुंची ना तो प्रणाम ना तो कुछ, बालों को बिखेरे हुए बिल्कुल पागल की तरह चुपचाप बैठ गई। तो उसी समय केकई ने जवाब दिया मंथरा ए मंथरा क्या हुआ तुझे, तू उदास है,
इतनी उदास क्यों? मेरे महाराज कुशल से है ना, मेरा भैया भरत कुशल है ना, राम जी कुशल से है ना, मेरा राम कैसा है बताओ, क्या बात, तुम उदास क्यों हो मंथरा? देखो समझने की बात, बोई माँ कह कही है जो थोड़ी देर के बाद में राम जी को वनवास देने वाली है। और लेकिन जब मंथरा आई तो सबसे पहले कैकेयी माँ ने ना तो महाराज दशरथ की कुशलता पूछी, ना तो अपने बेटा भरत की पूछी, कुशलता पूछी किसकी? जवाब दिया, मेरा राम कुशल से है ना मंथरा, मेरा राम कुशल है। बोई माँ कैकेयी जो राम जी को वनवास देने वाली है थोड़ी देर बाद। लेकिन भाइयों आप अंदाजा लगाओ, सोचो, यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि राम जी को वनवास दे दिया कैकेयी ने, आप अंदाजा लगाओ जिस माँ कैकेयी के गर्भ से भरत जैसा भगत जन्म ले लेता है वो माँ भला कभी राम जी को वनवास देगी? कभी नहीं। कैकेयी माँ की कोई गलती नहीं थी भगवान राम जी को वनवास देने में। क्यों? हम आपको बताएं बचपन की बात है ना, जब राम जी बहुत छोटे थे, एक बार मैया कैकेयी ने घर में भोजन बनाया दूध भात, और दूध भात बनाने के बाद में भगवान राम जी को खिलाया सुबह। बहुत देर हो गई, भगवान राम खेलते रहे, कैकेयी ने सोचा राम चले गए। थोड़ी देर के बाद में चुपके से पीछे से आए, कैकेयी की दोनों आंखें बंद कर ली, जवाब दिया, माँ बोलो मैया कौन है, बताओ तुम्हारी आंखें किसने बंद की है, बताओ ना। कैकेयी मैया सोचने लगी नटखट लक्ष्मण है, लक्ष्मण होगा। जवाब दिया, तुम लक्ष्मण हो? राम ने हाथ हटाया, जवाब दिया, माँ मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम हूं, आज मैं जीत गया तुम हार गई। कैकेयी जी ने जवाब दिया, आज मेरे बेटा ने मुझे हरा दिया, राम तुम जीत गए मैं हार गई, मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। आज राम जी ने जवाब दिया, मैया सच में जो मांगूंगा वो तुम दोगी? हाँ सच में। कैकेयी ने जवाब दिया, राम क्या मांगोगे, अगर तुम प्राण मांगो ना तो प्राण निकाल करके मैं तुम्हारे हाथों पर रख दूंगी। राम जी ने जवाब दिया, माँ जो मैं मांगूंगा ना उसमें प्राण नहीं, ऐसे समझ लिए जान भी तुम्हारी नहीं निकलेगी, तुम मरोगी भी नहीं लेकिन मरे के समान हो जाओगी, लोग तुम्हें कभी सीधे मुख से नहीं बोलेंगे, तुम्हारी मांग का सिंदूर चला जाएगा, तुम्हारा बेटा भरत तुमको मां नहीं कहेगा, मैया मैं ऐसी चीज मांगने जा रहा हूं। कैकेयी जी ने जवाब दिया, राम ऐसा तू क्या मांगेगा, कोई बात नहीं राम, चाहे मेरी मांग का सिंदूर चला जाए, चाहे मेरा भरत भैया मुझे माँ कहे या ना कहे, लेकिन तुम जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें वही दूंगी, बोलो क्या चाहिए। राम जी ने जवाब दिया, माँ आगे वाले समय में आने वाले ना मेरे पिताजी जब मुझको राजा बनाए ना तो आप उनसे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी जी ने जो इतने वचन सुने जवाब दिया, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, अरे तुम्हारे वनवास मांगने से मेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा, मेरा लड़का भरत मुझे मां नहीं कहेगा, बताओ राम मैं कैसे कर सकती हूँ। राम ने जवाब दिया, मैया अगर तुम वनवास नहीं मांगोगी तो जौन सा काम करने के लिए तुम्हारा राम आया है ना वो काम राम का हो नहीं पाएगा जब तक वो बन नहीं जाएगा। कैकेयी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर कलंक आ जाए राम तुम्हारा काम बनता रहे, मेरे ऊपर कलंक आ जाएगा, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए वनवास जरूर मांगूंगी। इसलिए कहते हैं कि कैकेयी ने गलत किया, कैकेयी ने कुछ गलत नहीं किया, राम जी ने जो बताया वही माने किया, इसलिए वरदान मांगा था दशरथ से वनवास का। इसलिए मैया कैकेयी आज पूछ रही, मंथरा क्या बात, उतनी उदास क्यों है? और इसी बीच में हमारे दानदाताओं के नाम है 51 मंत्र है हरिनाम कश्यप जी, 51 मंत्र है रामपाल भैया, 20-50 मंत्र है डॉक्टर जसवंत लाल मौर्य जी, 51 मंत्र है नत्थूलाल राठौर, 100 मंत्र है छत्रपाल यादव, 21 मंत्र श्री राम मौर्य।